promise I got your back. No! He's so cool. हेलो भाई लोग, यार एक बार मैं फिर आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यार नेक्स्ट जेन मूवी के बारे में। एंड इस मूवी के बारे में बता दूँ, इस मूवी में एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीनवुड होता है सिटी। ये सिटी यार बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। एंड ये एक बताऊँ तो नॉर्मली ये एक फ्यूचर की फिल्म है, यानी इसमें एक फ्यूचर दिखाया जाता है जिसमें एक सिटी है जो कि यार काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। वहाँ के जितने भी लोग हैं अब रोबोट्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मे के डैड के डेथ के बाद मे की मॉम रोबोट से बहुत ज्यादा क्लोज होने लगती है, रोबोट के साथ अपना टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा करने लगती है। इस वजह से मे को लगता है कि मे की मॉम उस पर ध्यान नहीं दे रही है। एंड इस वजह से मे अपने आप को बहुत ज्यादा ही अलोन फील करने लगती है, और साथ ही इस वजह से ही वो रोबोट से बहुत ज्यादा चिड़ मचने लगती है उसको। लेकिन मे की मॉम कहती है कि यार तुम भी रोबोट्स का यूज करो एंड अपनी डेली लाइफ को इजी बनाओ, बट मे बिल्कुल भी रोबोट्स को पसंद नहीं करती है। एक बार मे की मॉम उसे एक न्यू रोबोट लॉन्चिंग प्रोग्राम में ले जाती है, पर मे अपनी मॉम की नजर से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर मॉल में के सिक्योरिटी रोबोट्स मे को पकड़ने लगते हैं। मे उन सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए एक सीक्रेट लैब में गलती से पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि एक रोबोट है जिसका नाम 77 था। उस रोबोट को एक साइंटिस्ट सीक्रेटली बना रहा था। मे उस रोबोट को जैसे ही टच करती है तो वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और मे से फ्रेंडशिप करने लगता है, पर मे को रोबोट पसंद नहीं थे और उसे पीछे आने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। पर मे का बैग उस रोबोट के पास ही रह जाता है। रोबोट 77 उस बैग को देखता है एंड सोचता है कि मे को ये बैग वापस लौटाने की, तो वो उसे वापस करने के लिए मे के घर तक पहुँच जाता है। लेकिन मे उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी एक रोबोटिक ब्रश मे के तीत साफ करने के लिए आता है, पर रोबोट 77 मे के पास आने से उसको रोकने के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मे जब रोबोट 77 के वेपन्स देखती है तो उसे काफी ज्यादा कूल लगता है एंड उसको रोबोट को उस टाइम पर वो अपने साथ रख लेती है, और तब से वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। पर 77 की एक प्रॉब्लम थी कि उसका मेमोरी बहुत जल्द ही फुल हो जाता है और क्लियर करना पड़ता है। ऐसे ही वो डेली अपना मेमोरी क्लियर करता है एंड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरीज वो सेव करके रख लेता है। बट और अब मैं 77 के पावर का गलत यूज करने लगती है, और इस वजह से पूरी सिटी में 77 के बारे में सबको पता चल जाता है। एंड और जितनी भी सिटी के सिक्योरिटी रहती है उन सबको 77 को पकड़ने का इंफॉर्मेशन मिल चुका होता है। और ऐसे में अब मे को पता चलता है कि जो न्यू रोबोट लॉन्चिंग करता है वो एक खुद रोबोट है और वो बहुत जल्द सभी इंसानों को मारना चाहता है। एंड इस वजह से जो उसने न्यू रोबोट लॉन्च किया है वो मतलब एक रोबोटिक बम है जो कि उसके रहने पर फास्ट हो जाएंगे, और ये रोबोट लोगों को काफी पसंद आया था, तो इस वजह से पब्लिक के पास वो रोबोट आसानी से सबको प्रोवाइड करा रहा था। और एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि जब 77 के पास इतनी सारी मेमोरीज हो जाती हैं बढ़िया वाली, यानी जिन मेमोरीज को वो सेव करके रखा था, एक टाइम पर वो भी फुल हो जाती हैं। एंड उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि या तो वो अपना वेपन डिस्ट्रॉय कर दे एंड मेमोरी को सेव करके रख ले एंड और स्टोरेज मिल जाएगा, या तो अपनी मेमोरी को डिलीट कर दे एंड वो जब डिलीट कर देगा अपनी मेमोरी को तो वापस से वो रीसेट हो जाएगा, यानी सब कुछ भूल जाएगा वो। तो ऐसे में 77 अपनी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। जब 77 अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है तब बाद में वहाँ पर जो मूवी का विलन है 77 को डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस आ जाता है एंड उसे ढूंढ लेता है एंड मे की मॉम को किडनैप कर लेता है। और 77 जब अपने मे को बचा रहा होता है तो मे देखती है कि 77 अपना वेपन्स का यूज नहीं कर रहा है। तब मे 77 से पूछती है कि वो अपना वेपन्स क्यों यूज नहीं कर रहा, तो 77 बताता है कि मैंने तुम्हारी मेमोरीज सेव करने की वजह से अपने वेपन्स को डिलीट कर दिया ताकि मैं तुम्हारी मेमोरीज सेव कर सकूं, जो मेरी लाइफ के ग्रेट पल हैं उनको मैं सेव कर सकूं, इस वजह से मैंने अपनी वेपन्स को डिलीट कर दिया। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वहाँ से अकेले ही चली जाती है अपनी मॉम को उस विलन से बचाने के लिए। अब ऐसे में मे और 77 इतने बड़े प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं ये तो आप मूवी में ही देखिएगा। मूवी यार बहुत ही मस्त है। एंड इस मूवी के बारे में एक और बात बताऊं तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10/6.6 की रेटिंग एंड गूगल एजेंसी ने 71% इसे लाइक किया है। इस मूवी की जो एनिमेशन है वो भी यार बहुत ही मस्त है एंड बहुत ही जबरदस्त है। और रही बात इस मूवी की डाउनलोड लिंक की, तो यार आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो आप वहाँ से जाकर तुरंत ही डाउनलोड करो एंड यार इसको देखो।